सादर नमन एंड यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने इतने अच्छे से सेवा की है कि मतलब बार बार आने का मैं तो यही बस गई थी। मेरा नाम नम्रता द्विवेदी है, मैं मथुरा से आई हूँ और मैं 3 अगस्त को आई थी यहाँ पर और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई थी कि मुझे नेचुरोपैथी का पता था, फेथ था, क्योंकि ये हमारा अपना है, हमारी चीज़ यहाँ से भारत से ले जाकर अमेरिका इसको महंगे दामों में बेचता है। हम फॉरेन के डॉक्टर्स का नाम लेते हैं अपनी थेरेपी में, क्यों? क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी एक पीढ़ी सिंपल स्वतंत्रता में लग गई और वो पीढ़ी ने हमें नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता में लगी थी, वो हमें आयुर्वेद नहीं दे पाई। तो अब हमें जब इस चीज़ का ज्ञान हुआ है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब भी इसको फिर से पन्ने पलटें। इतिहास आपको पलटना पड़ेगा अपनी संस्कृति को, अपने आप को बचाने के लिए। क्यों हम क्लेम करें कि अमेरिका के डॉक्टर ने इसको प्रूव करके बोला है? हम अपने आप को क्यों नहीं कर सकते? जब मैं यहाँ आई मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं जस्ट 50 की हुई थी, मेनोपॉज ओवर हो गया था, मेरा पोस्ट मेनोपॉज का जो भी सिम्टम्स थे वो सारे थे, मैं स्टेप्स नहीं चढ़ पा रही थी, मेंटली भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं, आर्मी में, तो हम हर 3 साल में, 2.5 से 3 साल में हमारा मूवमेंट होता है एंड स्टेशन स्टेशन जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरे साथ भी था, बीपी भी बढ़ रहा था, मेरा लिगामेंट भी, मतलब मैं गिर गई थी 2-व्हीलर से तो मुझे घुटने से मतलब चला नहीं जा रहा था। एंड मुझे और भी, जब आप मेंटली शॉक्ड होते हो आप अपना सह लेते हो लेकिन अपने बच्चों का दर्द नहीं सहा जाता है, तो एक माँ को घुटन होती है। तो उससे मैं निकल के मैंने कहा नहीं, इसी में ही नेचर में ही मेरा केयर है। और मैं जब यहाँ आई मेरी हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ आते से ही मैं 3 अगस्त को आई हूँ, 4th दिन मुझे रिजल्ट लगने लगा, मेरा वेट लॉस हुआ, इंच लॉस हुआ। जब मैं आई मेरा 73 kg वेट था और मैं 2 स्टेप चढ़ती थी, मैं पकड़ के चढ़ती थी, उतरते समय तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। आज मैं 3rd फ्लोर पर 2 दिन लिफ्ट खराब रही, थैंक कि मैं इतने अच्छे से चढ़ी उतरी हूँ, 4 बार चढ़ी उतरी हूँ, 1 बार भी मेरे में से उफ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मेरे ना पूरे जॉइंट इतने खुल गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती मेरा एक्सपीरियंस कितना, मतलब यहाँ पर आके एकदम एक जादू था और मैं पूरे फेथ से आई थी। हाँ, एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी आप लोग आते हो हम सब पेशेंट हैं, ठीक है? हमने अपना पेशेंस लूज़ किया था तब हम पेशेंट बने हैं। अगर हमारे पास पेशेंस होता तो हम पेशेंट नहीं बनते। तो आपको यहाँ पर एक दूसरे से, देखो हिंदुस्तान में 2 चीज़ें सलाह सबको फ्री में मिलती है और हर हिंदुस्तानी डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि हमारे किचन में हर चीज़ होती है, सबको पता है। तो मैंने आके ये दोनों चीज़ें अपनी बंद कर दी थी, मुंह भी बंद रखा था और कान भी बंद रखे थे। मेरे कान खुलते थे डॉक्टर के चैम्बर में जाके और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी डॉक्टर के पास जाके। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मान के चलिए कि आपको यहाँ जो भी डॉक्टर हैं आप, मतलब मैं तो पूरी तरह से समर्पित हो गई थी, मुझे जो भी डॉक्टर मिले मैंने उनके प्रति पूरी, आप जो बोलोगे आप मेरे भगवान के बाद आप हो, मैं आपकी बात मानूंगी। मतलब 7 डेज में मेरा इतना ज़्यादा रिजल्ट्स था और मैं फिर उसके बाद में यहाँ देखो मुझे आज 21 डेज हो गए। कहाँ, मैं 1 हफ्ते के लिए आई थी, मैं 3 हफ्ते गुजार के जा रही हूँ। मेरा जब बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ मैं शिविर में आई, मैंने कहा मैं शिविर भी ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं ट्रेंड हो जाती हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं ये लोगों को बताऊँ कि ये हमारा अपना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारे को प्रूफ करके अमेरिका हमें बोल रहा है, ये हमारा अपना था। बस गलती ये हुई है कि हमारी एक पीढ़ी पूरी स्वतंत्रता में लग गई है, उसने आयुर्वेद का ज्ञान अगली पीढ़ी को नहीं दे पाई, तो ये उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने हमें स्वतंत्र किया ताकि हम अपने ग्रंथों को खंगालें, क्यों हम अमेरिका की तरफ मुंह उठाकर देखें? अच्छा, जब मैं यहाँ आई तो मुझे 2 सेंटेंस थे, मेरी एक सीनियर ने 2 लाइनें लिखी थी, एक दिन तो मिट्टी होना है, एक दिन तो मिट्टी होना है, ये सोचकर धूल में मिला जाता नहीं। और जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मेरा एक ही है से कहना, उठो जागो मुस्कुराओ चल पड़ो, उठो जागो मुस्कुराओ और चल पड़ो। हवा का झोंका कानों में कुछ कह गया है, मेरे जीवन में नया वसंत आ गया है। और जो लोग आगे मोटिवेट नहीं हुए मैं उनके लिए एक ही, यहाँ पर 2 लाइनें उनको मैं जाके यही बोलूंगी,
बहुत कमाया अपनों के लिए, बहुत कमाया अपनों के लिए, मैं आज सेहत कमाने आई हूँ।